नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका गुरुजी उत्तराखंड की एक और नई क्लास में। तो गाइज, इससे पहले मैंने आपको अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के बारे में एक जानकारी दी थी, तो उसके बाद हम बागेश्वर के बारे में जानते हैं। ठीक हो गया। तो बागेश्वर जो जिला सीरीज यहाँ पे को चल रही है, तो बागेश्वर देखते हैं कि सबसे पहले कौन कौन सी जिलों के साथ भी सीमाएँ बनाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके राइट में ही पिथौरागढ़, फिर ऊपर चमोली और नीचे अल्मोड़ा। तो ये एक इसका डायरेक्ट क्वेश्चन जो बनता है इसमें आपका, कि बागेश्वर कितने जिलों के साथ सीमाएं बनाता है, तो इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा 3 जिलों के साथ। ठीक हो गया गाइस। तो अब देखते हैं इसके आगे की प्रोसेस की क्या इसके जो मुख्य कहानियां जो है आपको चलेंगी उसमें। जैसे माना जाता है कि अल्मोड़ा जो है इसे उत्तर का वाराणसी इसे कहा जाता है। उत्तर का वाराणसी नाम से इसे जाना जाता है बागेश्वर को, और उसके बाद इसे बृहग्रेश्वर नाम से भी जाना जाता है। पहले इसे बृहग्रेश्वर कहा जाता था, बाद में अभ्रंश जब बनता है तो उसके बाद इसे बागेश्वर नाम दिया गया। ठीक हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि जो ये बागेश्वर है, ये सरयू और गोमती जो दो मुख्य नदियां हैं यहाँ की, सरयू और गोमती, उसके संगम में ये स्थित है। तो ये सरयू नदी यहाँ से बह रही है और ये गोमती नदी, इसके संगम में ये पूरा का पूरा बागेश्वर स्थित है। ठीक हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि इसके जो पूर्व और पश्चिम का जो भाग है, इस पूर्व में आपका बिलेश्वर पर्वत, और इसके पश्चिम में आपका नीलेश्वर पर्वत स्थित है। ठीक हो गया। इसके बाद हम देखते हैं इसका उत्तर और दक्षिण का भाग। इसके उत्तर में आपका सूर्यकुंड, और इसके दक्षिण में आपका अग्निकुंड स्थित है। ठीक हो गया गाइस। इतना आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ कि इतना आप लोग समझ चुके होंगे। इसके बाद आपको हिस्ट्री में बताया गया था कि स्कंद पुराण के अनुसार उत्तराखंड में जो गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र है आपका, जो गढ़वाल क्षेत्र है उसे स्कंद पुराण में केदारखंड, जो कुमाऊं क्षेत्र है उसे मानसखंड कहा गया था। तो ये कुमाऊं के क्षेत्र के बारे में हम अभी जान रहे हैं, तो इसमें बागेश्वर जैसे आपका अभी आप पढ़ रहे हैं, तो उसमें जो आपका मानसखंड है, तो मानसखंड के अंतर्गत जो स्कंद पुराण है उस पुराण के अंदर एक मानसखंड जिसे इसे बताया गया है, तो उस मानसखंड में इसका पूरा एक विवरण दिया गया है। तो उस मानसखंड के अंतर्गत आपका इन चीज़ों के एक एक नाम दिए गए हैं। जैसे मान लीजिए जो ये सरयू नदी मैंने आपको बताई थी, सरयू और गोमती, ये सरयू नदी और ये गोमती, तो जो सरयू नदी है उसे मानसखंड में गंगा नाम से जाना जाता है। ठीक हो गया गाइस। ये सरयू नदी को गंगा और गोमती को यमुना, नाम से जाना जाता है। ठीक हो गया। तथा इसके इसका संगम है, जो बागेश्वर में इन दोनों नदियों का संगम है, इसे मानसखंड के अंतर्गत तीर्थराज प्रयाग कहा गया है। ठीक हो गया। इसके संगम को तीर्थराज प्रयाग कहा गया है। ठीक हो गया गाइस। तो इसके बाद हम एक पॉइंट और जानते हैं इसके बारे में, जो कत्यूरी शासक भूदेव, आपने सुना था इससे पहले, आपको हिस्ट्री की क्लास में बताया था कि जो कत्यूरी शासक भूदेव करके एक राजा थे, तो उनका जो एक शिलालेख है वो बागेश्वर जो मंदिर परिसर है यहाँ का, जो बागेश्वर का मंदिर परिसर है उसके अंतर्गत उनका एक शिलालेख पाया गया था। ठीक हो गया गाइस। भूदेव का एक शिलालेख यहाँ पे को मिलता है बागेश्वर में। ठीक हो गया। तो इतनी जानकारी तो आप सभी को समझ में आ गई होगी। तो इसके बाद हम जानते हैं जो बागेश्वर के कुछ प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं उनके बारे में हम जानते हैं। तो इसके जो प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं उसके बारे में जानते हैं। तो गाइस, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको इतना तो सबको समझ में आ गया होगा। इसके बाद के जो पॉइंट है वो आयोग द्वारा ऑलरेडी पूछे हुए क्वेश्चन हैं, और संभावना है कि आने वाले एग्जाम में वो पूछ भी सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपनी कॉपी और पेन को पकड़ लीजिए और इन सभी पॉइंट को वन बाय वन करके नोट करिएगा। ठीक हो गया। तो आगे बढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट देखते हैं यहाँ पे को क्या कहता है।
तो जो पहला पॉइंट है इसका दर्शनीय स्थल में वो है बागनाथ मंदिर। तो जो ये बागनाथ मंदिर है, जो इससे पहले मैंने आपको गोमती और सरयू का जो संगम बताया था उसी के संगम पे मंदिर स्थित है बागेश्वर में, ठीक हो गया गाइस, जिसमें गोमती प्लस सरयू इसके संगम में, इसके इन दोनों नदियों का जो संगम है, इस संगम में ये बागनाथ मंदिर स्थित है जो शिव का एक प्राचीनतम मंदिर है, ठीक हो गया, जो शिव भगवान का एक मंदिर है, ठीक हो गया। इस मंदिर का जो चंद्रवंशीय राजा थे, आपके चंद्रवंशीय राजा थे लक्ष्मी चंद, उन्होंने इस मंदिर की स्थापना की थी 1602 में, ठीक हो गया। तो जो लक्ष्मी चंद थे, तो लक्ष्मी चंद चंद्रवंश के राजा थे, तो इन्होंने 1602 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक हो गया गाइस, किसका, बागेश्वर, बागनाथ मंदिर का बागेश्वर में, ठीक हो गया। तो उसके बाद ये पॉइंट आपका कवर हो गया होगा, नोट कर लिया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यहाँ पे को मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आयोग द्वारा कम से कम ऑलरेडी हर दूसरे एग्जाम में जो क्वेश्चन देखने को मिलता है कौसानी के बारे में, तो बागेश्वर के अंतर्गत वो आता है, तो उसके बारे में जानते हैं। तो जो कौसानी है, तो कौसानी का फैक्ट देखते हैं यहाँ पे कुछ, जिससे आयोग क्वेश्चन पूछ सकता है, ऑलरेडी पूछे गए क्वेश्चन जो है। तो पहले जो कौसानी था ये आपका अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता था, परंतु बाद में इसे बागेश्वर के अंतर्गत डाल दिया गया, ठीक हो गया। जब उन दोनों का बीच जिले का दोनों का अपनी अपनी स्थापना हुई, तो स्थापना के बाद इसे क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग कौसानी के अंतर्गत डाल दिया था, कौसानी को बागेश्वर के अंतर्गत डाल दिया था, ठीक हो गया। तो देखते हैं यहाँ पे को, जो कौसानी है इसका जो पुराना नाम है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसका जो पुराना नाम है वो है आपका बलना, बलना, तो इसको लिख लीजिएगा, जो इसका पुराना नाम है वो है आपका बलना। तो इसे पहले समय में कौसानी नाम देने से पहले इसे बलना नाम से जाना जाता था। तो उसके बाद इसके जो कुछ फैक्ट स्थल फैक्ट हैं उसमें देखते हैं कि जो बाद में इसका कौसानी नाम जो बड़ा, जो कौशिक मुनि की तपस्थली थी, एक कौशिक मुनि हुआ करते थे, ऋषि थे, उनकी तपस्थली होने के कारण कौशिक मुनि की, तो इसे कौसानी नाम दे दिया गया, ठीक हो गया। तो उसके बाद देखते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट कौसानी से रिलेटेड, महात्मा गांधी। तो 1929 में महात्मा गांधी कौसानी आए थे घूमने के लिए। तो जब ये घूमने के लिए आए हुए थे यहाँ पे को, तो सबसे पहले तो इसके जो यहाँ कौसानी का मनोरम दृश्य है, उसकी जो ठंड है उसका एहसास लेने के बाद उन्होंने इसे भारत का स्विट्जरलैंड नाम दे दिया गया था। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किसे इसका, किसने कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा, तो महात्मा गांधी ने भारत को इसका स्विट्जरलैंड कहा। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बनता है कि महात्मा गांधी कौसानी कब आए थे, तो ये आए थे आपके 1929 में, ठीक हो गया। उसके बाद जब ये आए थे तो इन्होंने यहाँ पे 14 दिन प्रवास किया था, यानी कि 14 दिन यहाँ ठहरे हुए थे, ठीक हो गया गाइस। उसके बाद देखते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट, जब ये यहाँ आए थे तो इन्होंने अनासक्ति आश्रम में ठहरे थे, और इन्होंने यहाँ पे अनासक्ति आश्रम में ठहरने के बाद, 14 दिन रहने के बाद, इन्होंने यहाँ पे गीता में, गीता का अनासक्ति योग लिखा, तो गीता का इन्होंने यहाँ पे को अनासक्ति योग लिखा। उसके बाद महात्मा गांधी की जो शिष्या है सरला बहन, कैथलीन हेलमैन नाम से जो जानी जाती हैं, सरला बहन, उन्होंने यहाँ पे को लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की, ठीक हो गया गाइस। ये पॉइंट आपने नोट कर लिए होंगे, समझ में आ गए होंगे। अब देखते हैं इसके कुछ प्रमुख और दर्शनीय स्थल जो फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, ठीक है। तो कौसानी का बारे में आपको बताते हैं, एक पॉइंट और आता है इसमें, जो महान प्रकृति प्रेमी सुमित्रानंदन पंत थे, तो उनका जन्म जो स्थान था वो भी कौसानी में, कौसानी माना जाता है। तो कौसानी में जो पंतवतिका है, विथिका, पंतवतिका करके एक जगह पड़ती है, तो वहाँ पे को सुमित्रानंदन पंत का जन्म स्थान माना जाता है, पंतवतिका में, विथिका में, ठीक हो गया गाइस। तो यहीं पर इनका जो सुमित्रानंदन पंत है, इन्हीं का एक संग्रहालय भी स्थित है। और जो सुमित्रानंदन पंत थे वो
प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता, उत्तराखंड के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता थे, जिनको 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। और जो इनको एक पुरस्कार प्राप्त हुआ था, जो इनकी एक बुक थी चितंबरा, उसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक हो गया गाइज, ये नोट कर लिया होगा। अब जानते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इसी के समीप पे अगला पॉइंट आ गया, इसी के समीप पे एक बैजनाथ मंदिर है जो आपका गोमती और गरुड़ गंगा करके दो नदियां बहती हैं यहाँ पे, गोमती और गरुड़ गंगा, उनके संगम में ये बैजनाथ मंदिर स्थित है। तो गोमती प्लस गरुड़ गंगा, गरुड़ गंगा इसका जो संगम है, इस संगम पे ये बैजनाथ मंदिर स्थित है। ठीक हो गया गाइस। और जो ये मंदिर है बैजनाथ मंदिर, ये जो कत्यूरी राजा राजवंश यहाँ पे को चला था, उस राजवंश का प्रमाण बताता है कि इस बैजनाथ मंदिर से उसका प्रमाण मिलता है। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसी के समीप पे एक पिंडारी ग्लेशियर स्थित है जो कस्तूरी मृग और भोजपत्र के लिए फेमस है। ठीक हो गया। तो जो ये पिंडारी ग्लेशियर है 3 किलोमीटर लंबा है, किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक हो गया गाइस। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यहाँ पे को। इसी के समीप एक कोट भ्रामरी, कोट भ्रामरी मंदिर है स्थित है, प्लस एक नंदा मंदिर स्थित है। जो कोट भ्रामरी मंदिर स्थित है बागेश्वर में, वो कत्यूरी राजवंश की कुलदेवी मानी जाती है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये जो कत्यूरी राजवंश यहाँ पे को चला आ रहा था, जो कत्यूरी राजवंश है उनकी कुलदेवी कोट भ्रामरी को माना जाता है। और जो चंद वंश था तो उन्होंने ये नंदा मंदिर का स्थापना की थी चंद वंश ने, क्योंकि चंद वंश की कुलदेवी माँ नंदा को माना जाता है। ठीक हो गया गाइस। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका पांडु स्थल। तो जो पांडु स्थल है आपका, जो ये कुमाऊं की और गढ़वाल की, गढ़वाल और कुमाऊं की जो ये सीमा है, इस सीमा में ही ये पांडु स्थल स्थित है। ठीक हो गया गाइस। तो अज्ञातवास के दौरान जो पांडव थे, किंवदंतियां कहती हैं कि अज्ञातवास के दौरान जो पांडव थे वो इस पांडु स्थल में उन्होंने प्रवास किया था अपने अज्ञातवास के दौरान। तो इस पांडु स्थल का, तब से इसे पांडवों के नाम पे इस स्थल को पांडु स्थल नाम दे दिया गया। ठीक हो गया गाइस। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आपको ये सारी की सारी इसकी जो कहानी है वो समझ में आई होगी, जो इसके फैक्ट क्वेश्चन हैं वो आपको समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।